हर दूध की एड एक पॉपुलर फिल्म स्टार को दिखाती है एज ए लविंग मम्मी और एक मैं दूध नहीं पीऊंगा टाइप बच्चा और फिर माँ बच्चे के बीच में भागना पकड़ना और फिर अचानक बच्चे और दूध का मिलन, फिर एक घिसा पिटा सीन जिससे आप सबको लगे कि ये दूध तो सुपर से भी ऊपर है। लेकिन हम आप लोगों को दिखाएंगे सिर्फ दूध की सच्चाई। दूध आता है उन गाय और भैंसों से जिन्होंने हाल ही में बच्चा दिया होता है, लेकिन डेयरियों में कोई भी गाय भैंस को प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट होने का इंतजार नहीं करता। हर साल गाय भैंस को कृत्रिम रूप से प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो बच्चा दे और डेयरी वाले उससे दूध लें। और पैदा होते ही इन बच्चों को माँ से अलग भी कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध बेचा जा सके। अब इनमें से नर बछड़े डेयरी वालों के तो किसी काम के हैं नहीं, और खेती भी अब भारतवर्ष में अधिकांश जगह ट्रैक्टर से होती है ना कि बैलों से, तो इन नर बछड़ों का क्या किया जाता है ये भगवान ही जाने। अब जब बूढ़ी गाय या भैंस दूध देना कम कर देती है या बंद कर देती है तब भी वो डेयरी के लिए उपयोगी नहीं होती, और गाय आ जाती है सड़क पे। और अगर हम भैंसों की बात करें तो भारत बीफ के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से है। देखिए, जहां पे हर ऐड आपके रिश्ते का, आपके प्यार का फायदा उठा के आपको कुछ बेचना चाहती है, हम एक नजरअंदाज हुए रिश्ते, नजरअंदाज हुए प्यार को आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपके पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजिंग बजट नहीं है, तो ये सच्चाई लोगों तक तभी पहुंचेगी जब आप इसको शेयर करेंगे।